आपका स्वागत है समाज की खबरें चैनल में। हम बात करने वाले हैं माधवी ताई राणे के बारे में, जो कि जिला अध्यक्ष हैं नॉर्थ मुंबई की, जो कि इलेक्शन में भी खड़ी हुई थी बीजेपी की, जो श्री कला पिल्ले जो है उनके अगेंस्ट में वो खड़ी हुई थी, लेकिन वोट्स की कमी की वजह से वो हार गई। लेकिन इस हार के बावजूद भी उन्होंने काफी हमदर्दी जताई है लोगों से। वो ऐसे कि जैसे कि आपको पता है लक्ष्मी नगर में डेमोलिशन किया गया था, वहां के लोगों का इंटरव्यू जब हमने लिया, वहां के लोगों से जब पूछताछ की, तो उन्होंने श्री कला पिल्ले जो है उनके बारे में ये कहा कि उन्होंने किसी भी तरीके की कोई हमदर्दी नहीं जताई। लोगों का इतना नुकसान हुआ, लोग घर से बेघर हो गए, काफी लोग हार्ट के पेशेंट्स हैं वहां पर, काफी लोगों की दवाइयां वहीं से चलती है, जो बच्चे हैं उनके स्कूल्स जो है उनके एग्जाम्स चल रहे हैं, काफी कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन श्री कला पिल्ले जो है किसी भी तरीके की हमदर्दी जताती हुई नजर नहीं आई, ये कहना था वहां के लोगों का। इसी के साथ वो हार के बाद भी माधवी ताई राणे हैं, उनकी हार हुई थी लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों के साथ हमदर्दी जताई, वहां गई नगर विकास प्राजक्त सर के साथ, वो वहां पर गई, वहां पर जाने के बाद लोगों से काफी हमदर्दी जताई और लोगों को ये वादा किया कि वो इन्हें इंसाफ दिलाएगी, अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आई तो आधी रात को भी उनके पास जा सकते हैं लोग या ना सोचे कि हमने इनको हराया है तो हम इनसे किस हिसाब से इनके पास जाए, उनका ये कहना है। काफी हमदर्दी जताई। इसी के साथ लोगों ने वहां पर श्री कला पिल्ले हाय हाय और माधवी ताई आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं जैसे नारे लगाए, काफी कुछ बातें हुई। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि क्या कुछ वहां पर हुआ। धन्यवाद। आगे मोदी बोला अभी भी आंख से पानी आएगा मेरे महिला लोगों को, मोदी सरकार, मोदी जी की चालाकी अभी नहीं चलेंगे। हम कितना प्यार से बोलते मेरा महिला रॉन्ग है, नहीं मोदी सर, हाय हाय मोदी सरकार, हाय हाय मोदी सरकार, हाय हाय मोदी सरकार, हाय हाय बीजेपी, हाय हाय बीजेपी, हाय हाय मोदी वाले आगे बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। एक तो रिश्निंग पे उनका रिश्वत मिलना चाहिए लोगों को, भटला का जो भाव बढ़ा है वो करने के लिए मैं आगे प्रयास करूँगी, ज्यादा से ज्यादा कैरोसिन अन्नपूर्णा मंत्री उनके पास बैठने वाले इलेक्शन होगा इसमें तो आप खड़े हो गए, इसमें इलेक्शन में मैं लड़ी दो बार, ये औरत नहीं मुझे पैसा लेके पहले बार 600 वोट से मैं हर यहाँ गुड़ लगा दिया है, लोगों को चाटने को बोलती है, मैं माधवी राणे मुंह से बोलती है सामने, लेकिन ये इसके बाप ने कांग्रेस के 20 साल नगर शोक थे, अच्छा कमाई किया, ये कमाई को उसने गरीबी नहीं देखी थी ना, गरीबी नहीं देखी थी, पैसे में खेली वाली लड़की थी, तो उसको अभी पैसे का ही मार चढ़ता है बोलते ना, वही है उसके आप पे। हमारे पास कितने पैसा है कभी नहीं पास, जमीन के ऊपर है, जमीन में भी ऊपर है, हम जमीन से चलने वाले लोग, न्याय देने वाले लोग। अभी लोग इतना परेशान है उसके बावजूद आप वहाँ उनके पास गए, आपने पालक मंत्री को बुलाया नगर विकास के, आपको क्या लगता है कि ये काम हो जाएगा, उन लोग की फैसिलिटी किस तरह से आगे जाएगी? देखिए उन्होंने बीएमसी ने जो नोटिस दिया है, लेटर दिया है, नोटिस नहीं दिया लेटर, ऐसा दिया है कि आपकी 24 को लेटर दिया है जनवरी को और 27 को लॉटरी का बोला, लॉटरी आपकी आ जाओ, लेकिन उसमें मेंशन नहीं किया था, उसमें कुछ लिखा नहीं था कहाँ देने वाले हैं तो, लेकिन ये मालूम मुझे पड़ा तो हम उनके साथ गए उधर, तो बैठे बीएमसी को ऑफिसर, उनको मिले कुछ आप दे रहे कहाँ, नाला कटिंग होना चाहिए वो हम जो मानते हैं, लेकिन नाला कटिंग होना चाहिए तो इनको घर कहाँ दे रहे ये हमें पहले बताओ, तो बोलो वासी में, तो वासी में कैसे दे रहे, अभी लोगों को बच्चे के एग्जाम है इधर, स्कूल में बच्चे लोग हैं, कोई इनका बिजनेस यहाँ है, कोई नौकरी यहाँ कर रहा है, तो उधर मेरी महिला जैसी है वो घर काम करती है घर चलाती है, तो उधर कहाँ उनको मिलेगी ऐसी सुविधा, तो आप इतने लंबे क्यों दे रहे, आसपास जैसे अंधेरी से या भैंसर तक हमें दे दो, इधर इधर 20 उधर 40 ऐसा करके जाएंगे तो लोग जाने को तैयार है, तो बोले हमारे पास नहीं है, नहीं है, लेकिन हमने उसके बाद हमारे मिनिस्टर है असलम भाई से, पालक मंत्री भी है उनके पास में लेके गई उन्होंने, और उसके बाद राज्य मंत्री
नगर विकास राज्य मंत्री राजेंद्र तनपुरी साहब ने उन्होंने हमारी सब मीटिंग लिया घर के स्थानीय लोगों की, उनको कहा कि न्यू बॉम्बे में इतना लंबा कैसे जा सकते, नहीं जाते, मैं अधिकारण क्यों बुलाता, लेकिन अधिग्रह से जो जानकारी चाहिए थी वार्ड ऑफिसर से, तो वार्ड ऑफिसर ने उनको जानकारी नहीं दी चार पाँच दिन में, फिर वापस हम गए कि साहब ये मनमानी कर रहा है, और ऐसा सोच के दो दिन में उन्होंने तुरंत बोर्ड लगाया और डेमोलिशन किसी को भी वक्त दिया नहीं, नहीं, नहीं खाली करने का नहीं, नहीं, का नहीं, सामान नहीं, निकालने का नहीं दिया, नहीं, लोगों ने पूरा, हमने वहाँ पे देखा, हमने कुछ देखा वहाँ पे कि लोगों का सामान उनके सामान के साथ दबा है, मिट्टी के अंदर है सामान सब। तो इसके ऊपर आप अभी क्या कार्रवाई करेंगे? आप देखो कार्रवाई करेंगे तो हमने साहब को बोले अभी इनको घर नजीक से नजीक करके धोइए, आपने इनको सजा दी है आप लोग ने, बीएमसी वाले ने, वो सजा का आपको उसका निवारण करना पड़ेगा, बिना वक्त दिए हुए बिना डेमोलिशन किया, डेमोलिशन किया और जिसका था उसको भी उनका भी डेमोलिशन इन्होंने किया हुआ, इसमें जो इनका पात्र था उन्होंने पात्र बताया लोगों को आधे डेढ़ सौ लोगों को, लेकिन इसमें से भी आगे पात्र होने वाले थे, अपात्र नहीं थे, उन्होंने नोटिस लगाना चाहिए था कि आपके जितने डॉक्यूमेंट्स आप आज दिन में के अंदर उपलब्ध करो हमें, तो उनके ऊपर उनको मालूम पड़ता था और पात्र होने वाले थे। आपको ये दो दिन पहले डेमोलिशन चल रहा था, तो उसके पहले आप आए वहाँ पे, आपको बुलाया गया था, बैठी वार्ड ऑफिसर के पास बैठी, वो दिन मैं मंत्रालय में थी, लेकिन इधर गलत किया नगर सेवक ने, श्रीकला पिल्ले ने उनको कहा हमें बिल्डर इधर दे रहे आप लोग को घर, आप निश्चिंत रहो आपके घर नहीं टूटेंगे, और दूसरे दिन उसने बुलडोजर लाया, तो ये नगर सेवक कौन सी है ना जिम्मेदार, उसने साइन किया है तो उसने सोचा ना कि अभी एग्जाम है, दसवीं के एग्जाम है, बारहवीं के एग्जाम है, बच्चे लोग की एग्जाम है, हमने उनको कहा था वार्ड ऑफिस के पास बैठे कि अप्रैल तक मत करो, उसके बाद आप ले बच्चे के लोगों के एग्जाम है, अभी कहाँ जाएंगे, किधर से जाएंगे, सबसे ज़्यादा मैं इनको जल्दी से नज़दीक घर देने का प्रयास करूँगा। कब तक होने का चांस है? देखिए अभी उन्होंने साहब ने पूछा, तनपुरी साहब ने उनको कल हेरिंग में पूछा कि आपके पास कितने अवेलेबल है रूम, तो बोले 500 है, जो समझे पाइपलाइन से जाते वाले लोगों के दिने, तो हमने कहा उनको हमें 200 घर दे दो उसमें से, तो वो बोले कि मेरे हमारे हाथ में नहीं है, ये सारे हाथ में है, तो साहब ने बोले कि हम उनको भी बुला के उनके भी मीटिंग करवाएंगे, आए जो आमदार एमएलए रहता है नगर सेवक है उसका काम उसके एरिया में, उसको चुन के लाया तो उसने उसका फर्ज था, क्यों नहीं किया उसने, पहला देखने का था, उसको मालूम था नवंबर से मालूम था कि नाला कटिंग होने वाला है, तो उसने किधर किधर है 20 है किधर 10 है किधर 15 है ये देखना चाहिए था लोगों को, लेकिन नहीं उनको बेघर करने का था, ये उसका नतीजा, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ है, बहुत गलत किया है उसने, और गलत का मैं निषेध करती हूँ उसका, निषेध करती हूँ। इसके ऊपर आप कार्रवाई जोर से देखो जोर से करना चाहेंगे, हमें जितने हम कर सकते हैं उतना में लोगों के लिए तो जान हम लगा के हम काम करेंगे। आपकी मोहब्बत तो देखी जा रही है कि आप खुद आए, जबकि सत्ता में नहीं होने के बावजूद भी आप आए, आपने लोगों के लिए अच्छा काम किया, लोगों की थोड़ी सी हमदर्दी तो आपने नहीं, उसके पहले हमने दो बार बचाए थे नाले, आपने बचा, अभी भी बचा सकते थे, थोड़े लोगों को गुमराह किया कि मैं लेके जाने वाली थी मिनिस्टर के पास, तनपुरे साहब के पास हेयरिंग थी, ये लोगों को मेरे पास ना नोटिस था कुछ भी नहीं था एक भी, तो इन्होंने उनको बोला कि इधर बिल्डर दे रहा है आप इधर आ जाओ, तो लोगों को लगा सचमुच इधर बिल्डर देगा, इसलिए वो लोग उधर हेयरिंग के लिए आए नहीं, कल मैंने देखा किसी का फ्रिज नाले में गिरा है, किसी का कबाट नाले में गिरा है, किसी के घर चूल्हा को नाले में गिरा है, ये क्या तरीका है, ये डेमोलिशन का तरीका नहीं है, मैं वार्ड ऑफिसरों को बोलते हैं यह आपने गलत किया, उन्होंने आप लोगों को 2 घंटा उनको देने का था और बोले का था 1 बजे तक अपने सामान निकालो, उसके बाद अलाउंस करना चाहिए था, ये होता है कोई कई आदमी कोई बीमार थे, क्वेश्चन भी नहीं था ना, फायर ब्रिगेड आया था लाइट वाले कोई नहीं थे, कुछ भी नहीं था, हार्ट पेशेंट का ऑपरेशन हुआ उसको भी उसका घर ऐसा ही तोड़वाया, वहाँ पे स्पार्क हुआ मैं देखा, उनको कुछ पड़ी नहीं है, उनको क्या कार्रवाई करेंगे, इकट्ठा ये लोग सभ्य रहेंगे ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं, हमने इसके पहले भी वार लिया है लोगों के लिए ऊपर, अब जिंदगी में मैंने कुछ किसी से मांगा नहीं, प्यार मांगा है और प्यार की मैं भूखी है, उनका प्यार मुझ में लगा तो उनके लिए मैं आगे कुछ भी करने को तैयार हूँ, आगे भी बढ़ो।
वो अभी साहब कनपुरी साहब आए थे, कनपुरी साहब गणेश मैदान में बड़ा प्रसाद का था तो हमने उनको बुलाए थे, अच्छा उनका उधर सत्कार किया उन्होंने। और जो डेमोलिशन हुआ है आजाद नगर से वो उधर जाके विजिट भी किया उन्होंने, ऐसे मंत्री होने चाहिए तनपुरे साहब के जैसे, तो इनकी बरोबर मैं क्वाट लगा क्यों ऐसा मंत्री कभी आज तक मैंने देखा नहीं। मैं 35-36 साल से राजनीति में हूँ लेकिन साइड पे आके मंत्री गए तो ये राजा तनपुरे मैं उनका बोलते वाह वाह करके मैं उनका ऐसा ऐसा नेता होना चाहिए, ऐसा मंत्री होना चाहिए। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666477110। धन्यवाद।